वनडे सीरीज शुरू होने से पहले अचानक बदला टीम इंडिया का कप्तान, टेंशन में गंभीर। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में कोच गंभीर के सामने खड़ी हुई बड़ी समस्या। टी20 सीरीज तो जीत ली, अब वनडे में कोच और कप्तान को मिलेगी कड़ी चुनौती। गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के हेड कोच के तौर पर जोरदार शुरुआत की। अपने पहले ही टास्क में उन्होंने टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ उन्हीं के घर पर 3-0 से जीत दिला दी। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में गंभीर के लिए सब कुछ आसान नहीं होने वाला। इस सीरीज के आगाज से पहले ही टीम इंडिया का कप्तान बदल चुका है। चलिए आपको बताते हैं कौन है नया कप्तान। मालूम हो कि श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया की कमान संभाली थी। टी20 सीरीज में कई युवा खिलाड़ी थे जिन्होंने गौतम गंभीर के कार्यकाल में खेला। इस श्रृंखला के दौरान सूर्य कुमार यादव की गंभीर के साथ शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली। अच्छी बात यह रही कि दोनों ने पहले से ही भाईचारा रहा। इस बात का खुलासा खुद गंभीर और सूर्या ऑन स्क्रीन भी कर चुके हैं। लेकिन वनडे सीरीज में कोच के लिए सब कुछ आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वनडे सीरीज में कई दिग्गज खिलाड़ी उतरने वाले हैं। खासकर कप्तानी में बड़ा बदलाव होने वाला है। जी हाँ, टी20 फॉर्मेट में जहां सूर्य के साथ काम किया, अब वहीं वनडे में रोहित शर्मा के हाथों में टीम इंडिया की कमान होगी। ऐसे में गौतम गंभीर के लिए दिग्गजों और युवाओं के साथ तालमेल बिठाने और रणनीति बनाने में थोड़ी मुश्किलों का सामना हो सकता है। सूर्य कुमार यादव की जगह रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ वनडे में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे। टी20 से संन्यास के बाद रोहित शर्मा अभी भी वनडे और टेस्ट में भारत के कप्तान हैं। वो सीनियर खिलाड़ी भी हैं। हालांकि नए कोच गौतम गंभीर के साथ उनकी पहली सीरीज होगी। ऐसे में देखना यह होगा कि दोनों के बीच तालमेल कैसा रहता है, क्योंकि पिछले कोच राहुल द्रविड़ के साथ रोहित की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। दोनों ने लंबे समय तक साथ खेला है। ऐसे में देखना होगा कि गंभीर रोहित के साथ राहुल द्रविड़ की जगह ले पाते हैं नहीं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और कुलदीप यादव भी नजर आएंगे। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला शुक्रवार 2 अगस्त को खेला जाएगा, दूसरा मुकाबला 4 अगस्त को होगा, साथ ही आखिरी मुकाबला 7 अगस्त को खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो गया, जिसके बाद अब गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच हैं। उनकी कोचिंग की शुरुआत भी काफी शानदार रही। गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने अपनी पहली टी20 सीरीज को 3-0 से जीता और श्रीलंका को क्लीन स्वीप किया, जिसके बाद अब वनडे की बारी है। कप्तान रोहित शर्मा भी अब नए हेड कोच के साथ अपनी पारी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं। भारतीय टीम आज वनडे सीरीज का आगाज करने जा रही है। रोहित शर्मा और विराट कोहली की टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद क्रिकेट मैदान पर वापसी होगी। कप्तान रोहित शर्मा वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे जहां से उन्होंने छोड़ा था, यानी टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के बाद अब कप्तान रोहित शर्मा इस सीरीज का आगाज भी पहले मैच को जीतकर करना चाहेंगे। वनडे सीरीज में अब कप्तान रोहित शर्मा नए कोच के साथ नई पारी की शुरुआत करना चाहेंगे। वहीं वो पुराने जज्बे और वही एनर्जी और कुछ पुराने चेहरों के साथ टीम इंडिया एक बार फिर मैदान पर उतरेगी। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।